Hi, my name is Ashish Parashar. Welcome to Magnet Brains. इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे Microgametogenesis और development of male gametophyte. Now, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है सबसे पहले कि मैं यहाँ पे समझाने क्या वाला हूँ. यहाँ पे एक तरीके से मैं समझाऊँ तो pollen pistil interaction और पूरा जो pollen के events होते हैं, for example, जैसे कि pollen grain बना, तो उसके बाद जो दोनों टाइप के सेल बनते हैं उसमें किस टाइप का डेवलपमेंट आता है बिफोर फर्टिलाइजेशन, या फिर ज़्यादा करेक्ट लैंग्वेज बोलूँ बिफोर पोलिनेशन. तो जो पोलन ग्रेन की पूरी कहानी है बनने से लेके जहाँ उसमें से पोलन ट्यूब निकलने लगे, जहाँ वो जर्मिनेट होने लगे, वहाँ तक की यहाँ पोलन ग्रेन बना और यहाँ पर उससे पोलन ट्यूब निकलनी चालू हो गई, यहाँ तक की पूरी कहानी इस लेक्चर में आपको समझ में आ जाएगी. स्टार्ट करते हैं. माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन कंसीडर्ड एज फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट. ये मेल गैमेटोफाइट का पहला सेल माना जाता है. इसका इन सीटू डेवलपमेंट होता है. इन सीटू डेवलपमेंट, सबसे पहले इन सीटू क्या होता है? इन सीटू और एक्स सीटू दो वर्ड आपने सुने होंगे. देखो, दो वर्ड हैं, एक है एक्स सीटू और एक होता है इन सीटू. इन सीटू का मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए आपका जहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है वो आपका होम लोकेशन है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ. आप मान लीजिए आप 12th क्लास तक आप पढ़े, 12th क्लास के बाद अब आपके पास चॉइस था कि आपको कोटा पढ़ने जाना है या घर से पढ़ना है. तो एक बंदा है, उसने घर से पढ़ा और PMT क्रैक कर ली. इन सीटू डेवलपमेंट. इन सीटू मतलब आपका जो अपब्रिंगिंग हुई है, जो आपका घर है वहीं पे आपका पूरा डेवलपमेंट हुआ है. एक्स सीटू मतलब आपको बाहर जाके, जैसे कोटा जाके तैयारी की है, एक्स सीटू डेवलपमेंट. ये चीज़ समझ में आ गई ना? बहुत सिंपल सा एग्जांपल है. अगर आप पोलन ग्रेन के हिसाब से देखो तो पोलन ग्रेन कहाँ पे बनते हैं, डेवलप कहाँ पे होते हैं, डिवाइड कहाँ पे होते हैं, वो डिवाइड इन द सेंस कि अंदर के जो सेल डिवाइड हो रहे हैं, तो वो सब कहाँ हो रहा है? मदर के अंदर ही हो रहा है, जहाँ वो फॉर्म हुए हैं, जहाँ एंथर के अंदर फॉर्म हुए हैं वहीं पे ही चल रहा है ये सारा काम. जो मदर प्लांट है उसी के अंदर चल रहा है, इसीलिए इसको इन सीटू डेवलपमेंट बोला गया है. प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट में वो सब चीज़ें आएंगी कि पोलन ग्रेन बना और उसके बाद वो कौन कौन से सेल में डिवाइड होता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स. तो स्टार्ट करते हैं. ओनली न्यूक्लियस ऑफ पोलन ग्रेन डिवाइड बाय अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन. जो सिर्फ न्यूक्लियस है पोलन ग्रेन का वही डिवाइड होता है और वो भी अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन से. जो चीज़ यहाँ समझने वाली है वो ये है कि अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन का मतलब क्या है ना? पहली चीज़ जो हमारे समझने की है, तो इसको समझते हैं. जब हम ध्यान से देखेंगे अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन का मतलब समझेंगे तो एक्चुअली में यहाँ से हमारी कहानी चालू होती है. ये एकदम इनिशियल या फिर प्रिमिटिव पोलन ग्रेन है, एकदम ही स्टार्टिंग वाला, कि मान लो इसके पहले तो कुछ था ही नहीं, यही पोलन ग्रेन बना है और यही है. अब क्या होता है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे डिवाइड हुआ है और दो तरह के सेल रिप्रेजेंट किए गए. एनसीईआरटी में जो आप डायग्राम देखते हो जहाँ पे आपको जो फिजियोलॉजी के बारे में लिखा है, जैसे कि पोलन ग्रेन का साइज लिखा है 25 to 50 माइक्रोमीटर, ये सारी चीज़ें लिखी हैं, वहीं पे बगल से एक डायग्राम बना हुआ है ग्रीन कलर का राइट साइड पे, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें दिखाई गई होंगी. एक्चुअली में क्या होता है, जो न्यूक्लियस है पोलन ग्रेन का, जो थ्योरी है उस हिसाब से पूरी चीज़ें समझा रहा हूँ. ये पोलन ग्रेन है, ये रहा न्यूक्लियस. अब ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो जो दो पार्ट्स होंगे वो अनइक्वल होंगे. अनइक्वल होंगे इसका मतलब ये है कि एक सेल तो बड़ा होगा और दूसरा सेल छोटा होगा. तो ये जब डिवाइड हुआ तो अलग अलग नहीं हुआ, बाइनरी फिजन जैसे दो सेल नहीं बने, अलग अलग नहीं हुए, सेपरेट नहीं हुए, बस एक ही न्यूक्लियस जो है, ये जो है ये न्यूक्लियस बस डिवाइड हुआ है. एक जो है वो बड़ा सेल बन गया और दूसरा जो है वो छोटा सेल बन गया. अब समझ में आ रहा है? तो कुल मिला के दो सेल बने हैं, कुल मिला के आपके दो सेल बने हैं, वन इज दिस एंड सेकेंड वन इज दिस. अब जरा इसको देखो, इसको मैंने ट्यूब सेल बोल दिया, इसको मैंने, ये जो फर्स्ट वाला है ना, इसको ही मैंने ट्यूब सेल का नाम दे दिया, ठीक है, और दूसरे वाले को मैंने जनरेटिव सेल का नाम दे दिया. तो टर्मिनोलॉजी मेरी समझ में आई, मैंने क्या क्या चीज़ बताई? मैंने बताया नॉर्मल ये पोलन ग्रेन है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ट्विस्ट वाली बात ये है अनइक्वल है. अनइक्वल मतलब आप देख रहे होगे, ध्यान से देखो, जो जनरेटिव सेल है वो जरा सा है बस, इसके नीचे नीचे का इतना सा जनरेटिव सेल है, और वेजिटेटिव सेल है वो देखो कितना बड़ा है. एक्चुअली में ये मैं बता देता हूँ, ट्यूब सेल को ही वेजिटेटिव सेल भी बोलते हैं.
तो बहुत सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप समझना। ट्यूब सेल को ही वेजिटेटिव सेल बोलते हैं और दूसरा जो डिवाइड हुआ है दिस इज जनरेटिव सेल। ठीक है, समझने वाली बात यह है कि इसको मैंने जनरेटिव सेल क्यों बोला, ऐसी क्या चीज़ है जिसको ये जनरेट कर रहा है, जिसको ये फॉर्म कर रहा है। ये एक्चुअली में मेल गैमीट बनाएगा आगे चल के। क्या बनाएगा? मेल गैमीट बनाएगा आगे चल के। सर ये तो पेड़ है, पेड़ में मेल गैमीट क्या होते हैं? पेड़ में मेल गैमीट होते हैं पोलन ग्रेन। पेड़ में मेल गैमीट क्या होते हैं? पोलन ग्रेन। लेकिन सर ये तो पोलन ग्रेन मतलब क्या हो गया? एक्चुअली में जो पोलन ग्रेन के मेल गैमीट है ना, एक्चुअली में जो फर्टिलाइजेशन करवाने वाले हैं, फिर से समझो, एक्चुअली में अगर मैं बात करूं तो पूरा का पूरा पोलन ग्रेन तो यही है, लेकिन पूरा का पूरा पोलन ग्रेन तो फर्टिलाइजेशन करेगा नहीं। तो फर्टिलाइजेशन करने के लिए स्पेशली दो गैमीट, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं ह्यूमंस में भी जो गैमीट बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं। तो ये पोलन ग्रेन के मेल गैमीट हैं, यही वो हैं जो फर्टिलाइजेशन करेंगे। जो क्वेश्चन में आपको मिलेगा, क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ मेल गैमीट लिखा मिलेगा। क्वेश्चन में क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ मेल गैमीट लिखा मिलेगा। कितने मेल गैमीट बनते हैं एक जनरेटिव सेल से? दो। एक जनरेटिव सेल से दो मेल गैमीट बनेंगे, वो मेल गैमीट किसके हैं? पोलन ग्रेन के हैं, और यही फर्टिलाइजेशन करवाने वाले हैं। ये चीज समझ आई? तो हम जरा डायग्राम पे फिर से देखें। तो हमने क्या देखा? एक ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल बना, लार्ज है, दूसरा जनरेटिव सेल बना, छोटा है। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो देखो जनरेटिव सेल के बारे में यहां पे लिखा हुआ है ओनली न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, अनइक्वल डिवीजन होगा, अनइक्वल डिवीजन के बाद साइज ऑफ न्यूक्लियस, दो अनइक्वल साइज के न्यूक्लियस बनेंगे, पहला होगा जनरेटिव न्यूक्लियस और दूसरा होगा वेजिटेटिव न्यूक्लियस या ट्यूब न्यूक्लियस। अभी देखा जो लार्ज सेल होगा या लार्ज न्यूक्लियस होगा उसको हम वेजिटेटिव सेल बोलेंगे, स्मॉलर सेल और स्मॉलर न्यूक्लियस वाले को जनरेटिव सेल बोलेंगे। ये अभी मैंने बता दिया था। अब देखो यहां से ट्विस्ट है, ये कई बार लाइन पूछी गई है तो ध्यान से सुनना। पोलिनेशन जो पोलन ग्रेन का होता है मैक्सिमम टू सेल स्टेज पे होता है, यानी कि 60% जो पोलन ग्रेन है वो पोलिनेट हो जाते हैं टू सेल स्टेज पे। ये देखो ये गिनो कितने सेल है, एक सेल और दो सेल। तो 60% जो एंजियोस्पर्म है उनके अंदर जो पोलिनेशन होता है, यानी कि ये जो क्या बोलते हैं आगे चल के ट्रांसफर हो जाते हैं, वो 60% एंजियोस्पर्म में टू सेल स्टेज पे ही हो जाता है। टू सेल स्टेज का मतलब ये है कि एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल, बाकी के 40% में क्या होता है? बाकी के 40% में ये जो जनरेटिव सेल है ना, ये एक्चुअली में दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है, जैसा कि मैंने बताया था ना। कौन से सेल में डिवाइड होगा? दो मेल गैमीट में। तो अब जो स्ट्रक्चर दिखेगा आपको पोलन ग्रेन का वो कुछ ऐसा दिखता है, ये वेजिटेटिव सेल या फिर ट्यूब सेल, इसका एक न्यूक्लियस और इसका मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ। ये है आपका जनरेटिव सेल विद टू मेल गैमीट, ये दो मेल गैमीट किसके न्यूक्लियस से बने? जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस से बने, क्योंकि यही जनरेटिव सेल है। ठीक है ना, जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस से ही दो मेल गैमीट बने हैं। और ये कितनी सेल स्टेज हो गई? थ्री सेल स्टेज, एक दो तीन, इस हिसाब से गिन रहे हैं सेल स्टेज मतलब या न्यूक्लियस के हिसाब से गिन रहे हैं। ठीक है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने मत बैठ जाना। तो ये 40% में थ्री सेल स्टेज पे होता है और बाकी 60% में टू सेल स्टेज पे होता है। ये चीज समझ आई ना? ये इंपॉर्टेंट चीज थी। ठीक है, नेक्स्ट, ये चीज समझ में आई ना? पोलिनेशन जो होता है टू सेल स्टेज, बाय सेल मतलब टू सेल स्टेज या बाय न्यूक्लिएटेड, 60% में 40% में थ्री सेल स्टेज। जनरेटिव सेल जो है डिवाइड करता है और दो मेल गैमेट बनाता है। ये सिंपल सी टर्मिनोलॉजी है, इजीली अंडरस्टूड की जा सकती है। देखो अब यहां तक का हमको समझ आ गया कि यहां तक चीजें क्या हो रही थी, लेकिन आगे का समझते हैं। जब पोस्ट पोलिनेशन, यानी कि पोलिनेशन हो चुका है, पोलिनेशन कैसे होता है ये हम डिटेल में समझेंगे। पोलिनेशन अब हो चुका है, उसके बाद क्या होगा? पोलिनेशन हो चुका है मतलब जो पोलन ग्रेन है वो आपका स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर चुका है। कुछ ज्यादा ही अजीब सी स्टिग्मा बन गई। तो पोलन ग्रेन जो है वो आपका स्टिग्मा पे लैंड कर चुका है। ठीक है, इस टाइप से। अब जो भी इंटरेक्शन होगा बिटवीन पोलन ग्रेन, जो भी इंटरेक्शन होगा बिटवीन पोलन ग्रेन एंड स्टिग्मा,
वो सारे इंटरेक्शन को हम बोलेंगे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन. क्या नाम बोल दिया? पोलन. पोलन मतलब कौन? ये पोलन ग्रेन. दूसरा कौन? पिस्टल. पिस्टल कौन? फीमेल पार्ट. पिस्टल किसको बोलते हैं हम? फीमेल पार्ट को बोलते हैं, है ना. और इंटरैक्ट कर रहे हैं आपस में. ये क्या कर रहे हैं आपस में? इंटरैक्ट कर रहे हैं ये आपस में, इसीलिए पोलन पिस्टल इंटरैक्शन. ठीक है. अब इंटरैक्शन में क्या इंक्लूड हो रहा है? या तो पोलन ट्यूब बनेगी या तो पोलन ट्यूब नहीं बनेगी, इसी चीज का डिसीजन हो रहा है. इसी को हम पोलन पिस्टल इंटरैक्शन बोल रहे हैं. फिर से समझाऊं, पोलिनेशन हुआ, पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आके गिरा, ये पोलन ग्रेन है, ये पिस्टल बोलते हैं फीमेल को, तो पोलन पिस्टल इंटरैक्शन. इसमें क्या डिसाइड होगा कि पोलन जो ट्यूब है आगे बनेगी या फिर नहीं बनेगी, ये चीज डिसाइड होगी. ठीक है, इतना समझ में आया? कोई डाउट इसमें? तो देखो आगे पढ़ते हैं. क्या होता है पोलन पिस्टल इंटरैक्शन में, होता क्या है एक्चुअली में? ये देखा जाता है कि ये जो पोलन ग्रेन गिरा है वो हमारी स्पीशीज का है या नहीं. ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे पोलन ग्रेन होंगे. अब मान लो एप्पल के पेड़ पे तुम अमरूद का पोलन ग्रेन गिरा रहे हो, क्या फायदा? तो हमारी स्पीशीज का है या नहीं, सबसे पहली तो यही. अब बोलोगे सर कैसे पता चलेगा हमारी स्पीशीज का है? मान लो सेमी स्पीशीज का, एप्पल के ऊपर एप्पल का ही गिर गया, कैसे पता चलेगा? या चलो दूसरा ले लेते, ऑरेंज के ऊपर ऑरेंज का ही गिर गया, कैसे पता चलेगा? पता ऐसे चलेगा कि कुछ शुगर कंटेंट्स होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप की शुगर होती है जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, शुगर कंटेंट अपने मैच करेगा, केमिकल्स अपने मैच करेगा कि हाँ ये हमारे बॉडी का है, हमारे स्पीशीज का है, हमारी बिरादरी का है, तो ये आगे पोलन ट्यूब बनेगी. दूसरी चीज, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जो प्लांट है वो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी वाले हैं, हम अपनी जो पोलन ट्यूब है वो बनने नहीं देते अपनी सेम प्लांट की, तो उस चीज का असेसमेंट होगा. ठीक है, असेसमेंट समझ लो इसको, असेसमेंट होगा. असेसमेंट में ये है कि इसकी पोलन ट्यूब बनने भी देना है या नहीं. तो कुल मिला के ओवरऑल रिएक्शन जो पोलिनेशन के बाद पोलन ग्रेन और पिस्टल के बीच में होते हैं, उन सारे रिएक्शन को हम पोलन पिस्टल इंटरेक्शन बोलते हैं. 5 नंबर का बोर्ड्स में आता है और डायरेक्ट एमसीक्यू नीट में आता है. ठीक है, अब पढ़ते हैं. डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट टेक्स प्लेस ऑन द स्टिग्मा. ठीक है ना, स्टिग्मा के ऊपर डेवलपमेंट होता है आफ्टर पोलिनेशन. पोलन ग्रेन जो होते हैं वो वहाँ का मॉइस्चर और शुगर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ठीक है ना, यहाँ का जो मॉइस्चर होगा और यहाँ का शुगर होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे. तो सबसे पहले क्या होता है? एक्सेप्टेंस. अगर एक्सेप्ट कर लिया है, जो प्लांट है फीमेल प्लांट है उसने एक्सेप्ट कर लिया है, तो सबसे पहला स्टेज क्या होगा कि अब पोलन ट्यूब फॉर्म होनी चालू होगी. यानी कि ये स्टिग्मा है, इसने एक्सेप्ट कर लिया है पोलन ग्रेन को, तो ये रहा पोलन ग्रेन. सबसे पहले जो स्टेज आएगी वो ये वाली आएगी कि जहां पे पोलन ट्यूब जो है फॉर्म होनी स्टार्ट हो रही. अब देखो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. पूछा यह जाता है कि पोलन ट्यूब जर्मिनेट होनी चालू हुई, कौन सा सेल पहले जाएगा? क्योंकि कंटेंडर कितने हैं? 3. और अगर एमसीक्यू के हिसाब से देखो 2, क्योंकि 2 तो मेल गैमेट्स हैं. यहां डायग्राम में ध्यान से देखो, ये है वेजिटेटिव सेल या फिर ट्यूब सेल. तो जो पोलन ट्यूब बनती है, जो पोलन ट्यूब ये जैसे बन रही है, तो जो पोलन ट्यूब बनती है उसमें जो पहला सेल जाता है उसको हम वेजिटेटिव सेल बोलते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3-स्टार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. या फिर ट्यूब सेल बोलते हैं. सर बाकी मेल गैमेट्स क्या कर रहे थे? मेल गैमेट इसके पीछे पीछे इसको फॉलो करेंगे. मेल गैमेट क्या करेंगे? इसको पीछे पीछे फॉलो करेंगे. डायग्राम में भी देखो, मेल गैमेट जो है इसको फॉलो करते हैं, वेजिटेटिव सेल सबसे आगे चलता है, वेजिटेटिव सेल हमारा नेता है. ये चीज समझ में आई ना? वेजिटेटिव सेल सबसे आगे चलेगा. क्या होता है, जैसे जैसे पोलन ट्यूब डेवलप होती जाएगी वैसे वैसे वेजिटेटिव सेल जो है आगे चलता जाएगा, मेल गैमेट उसका पीछा करते जाएंगे, और इस टाइप से मेल गैमेट. अब इसको ट्यूब सेल बोलने का कारण भी यही था. इसको ट्यूब सेल हमने जो बोला था ना, इसी कारण से बोला था कि वेजिटेटिव सेल जो है वो पहले चलता है. ये चीज समझ में आई ना? तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वेजिटेटिव सेल एंटर होता है, 3 सेल स्टेज प्रेजेंट ऑन द मैच्योर मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म. अब वो इमैच्योर था यहां पे, अब क्या हो गया? मैच्योर. क्यों? क्योंकि मैच्योर का क्या कंटेंट हो गया? वेजिटेटिव सेल प्लस 2 मेल गैमेट्स. ये मैच्योर का कंटेंट हो गया, मैच्योर गैमेटोफाइट का.
या मैच्योर पोलन ग्रेन का, वेजिटेटिव सेल प्लस टू मेल गैमिट्स। इमैच्योर क्या था? वेजिटेटिव सेल प्लस जनरेटिव सेल। ये चीज़ समझ आई ना? ये इमैच्योर पोलन ग्रेन का कंटेंट हो गया और मैच्योर पोलन ग्रेन का कंटेंट क्या हो गया? वेजिटेटिव सेल प्लस टू मेल गैमिट। फर्स्ट ऑफ ऑल पोलन ट्यूब की डिस्कवरी जो की थी प्रोफेसर जी बी अमीकी ने की थी और पार्चुला का प्लांट जो था उसमें की थी। लॉन्गेस्ट जो पोलन ट्यूब है वो जिया मेस में पाई जाती है। दोनों के दोनों एमसीक्यू अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछ रहे थे जैसे डबल फर्टिलाइजेशन किसने डिस्कवर किया था या पॉलीगोनम प्लांट में क्या डिस्कवरी हुई थी, तो ये सब चीज़ें कई बार पूछ ली जाती हैं इन एमसीक्यू फॉर्मेट। वायबिलिटी, नाउ व्हाट इज वायबिलिटी? वायबल मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा कोई भी प्रोडक्ट आप कंज्यूम करते हो तो उसके ऊपर उसकी एमआरपी और प्लस उसकी एक्सपायरी डेट लिखी रहती है। वायबिलिटी को आप एक्सपायरी डेट के हिसाब से देखो। वायबिलिटी इज सिंपल एक्सपायरी डेट ऑफ पोलन ग्रेन। एक्सपायरी डेट इसलिए बोला गया है, क्यों बोला गया है? सबसे पहली बात तो यही होता है, इसलिए बोला गया है कि ये वो टाइम है जब ये प्रोड्यूस हुआ है और उसके बाद वहाँ पे उतने दिनों तक पोलन ट्यूब बनाने के लायक है। अगर फॉर एग्जाम्पल एक महीने की वायबिलिटी है, पोलन जो पोलिनेशन होता था निकला हवा से उड़ा और उसके बाद कहीं अटक गया, दो महीने तक वहीं अटका रहा, उसके बाद सिग्मा के ऊपर लैंड कर गया, क्या वो पोलन ट्यूब बनाएगा? नहीं बनाएगा। क्योंकि उसकी वायबिलिटी कितनी थी? एक महीने की थी। उसकी जो डेट ऑफ एक्सपायरी थी एक महीने की। एक महीने के अंदर अंदर अगर वो लैंड कर गया तो ठीक है, वरना वो पोलन ट्यूब नहीं बनाएगा। अब बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट बच्चा एक होगा जो ये सोच रहा होगा, सर मान लो 30th day पे ही जाके गिरा, तो मान लो 30th day ही गिरा, कहीं अटका था 30th day फ्री हुआ वहीं जाके 30th day गिरा, तो या फिर ये सोच रहा होगा सर 12 बजे तक हम गिनते हैं 30th day को, मान लो 12 बजे के बाद 15-20 मिनट लेट गिरा तो। एक्चुअली में क्या होता है, ये रफ एक एस्टिमेट होता है कि एक महीना है एक साल, इस टाइप से। अगर जो शुगर कंटेंट है एब्जॉर्ब करने के बाद स्टिग्मा ने एक्सेप्ट किया तो ठीक है, वरना नहीं, पोलन ट्यूब नहीं बनेगी, चाहे मान लो 25th day ही क्यों ना गिर जाए। तो वायबिलिटी इज़ अ पीरियड, रफली अ पीरियड जहाँ पे पोलन जो ग्रेन है जाके गिरेगा पोलिनेशन के थ्रू, तो पोलिनेशन हो सकता है वरना नहीं होगा। इज़ द पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन रिटेन एबिलिटी टू जर्मिनेट। जर्मिनेट मतलब पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। 30 मिनट होती है राइस प्लांट और वीट प्लांट की। फैमिली रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलिनेसी, इनकी महीनों भर चलती है और काफ़ी दिन चलती है। लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व किया जा सकता है, इसको क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है, लिक्विड नाइट्रोजन में कितने डिग्री सेल्सियस पे पोलन बैंक्स में यूज़ किया जाता है? एक्चुअली में है क्या, मान लो मुझे वीट का एक पोलन ग्रेन मिला, वो वीट का प्लांट है जिसका पोलन ग्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा डिज़ायरेबल, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे उसको प्रिजर्व करना है, तो मैंने क्या किया, लिक्विड नाइट्रोजन का एक बॉक्स लिया और उसके अंदर मैंने वो पोलन ग्रेन रख दिया। जो लिक्विड नाइट्रोजन है उसका टेम्परेचर कितना होगा? -196 degrees Celsius। अब मैं जब चाहूँ इसको यूज़ करूँ, ये 2 नहीं है ये 1 है, अब मैं इसको जब चाहूँ तब यूज़ करूँ, तब तक ये ऐसे ही रखा रहेगा, ठीक है ना। ये कुछ इस टाइप से ही है जैसे MOET आपने देखा था, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन देखा था, तो स्पर्म को स्टोर करने वाली जो प्रोसेस है ना वो भी सेम यही है। हम भी क्या कर रहे हैं, पोलन ग्रेन को स्टोर कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में कभी यूज़ कर सकें। तो सिंपल ये पोलन ग्रेन के बारे में बेसिक नॉलेज थी। आई होप आपको ये जर्मिनेशन वाला वीडियो जो है पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।